पर डे की जो इनकम होती है इस मशीन से 8,000 रुपए शुद्ध प्रॉफिट आपके हाथ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी कंपनी के पास आया हूँ जो कंपनी इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। ये एक बहुत ही अच्छी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो हर प्रकार की मशीनरीज पे काम करती है। आइए दोस्तों आज बात करते हैं हम इस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर मोहन मिश्रा जी से। हेलो सर। सर नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम मोहन मिश्रा जी। मैं इस कंपनी मोहन मिश्रा मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। ओके मिश्रा जी, आज आप हमको कौन सी मशीन विजिट कराएंगे, कौन सी मशीन दिखाना चाहेंगे? सर आपको जो मैं मशीन अभी दिखा रहा हूँ जी, ये हमारी कंपनी की बहुत ही ब्रांडेड मशीन है जी, लिफ्ट मिक्सर मशीन। क्या नाम है इसका? लिफ्ट मिक्सर मशीन। लिफ्ट मिक्सर मशीन जी। ये मशीन कैसे काम करती है, इसका उपयोग क्या है? सर ये जो मिक्सर मशीन है हमारी लिफ्ट मिक्सर मशीन, जैसे हमारी अन्य मिक्सर मशीन है जी बिना लिफ्ट वाली जी, यह मशीन सिर्फ रोड में और नाली में काम आता है, पुलिया में काम आता है। मतलब ये जो ठेकेदारी का काम होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ये कंस्ट्रक्शन वर्क को करने के लिए ये मशीन का उपयोग किया जाता है। ये जो है ये नॉर्मल मिक्सर मशीन है, नॉर्मल मिक्सर मशीन है जिसको सीसी रोड, आरसीसी नाली या फिर घर के नॉर्मल कामों में ढलाई के लिए उपयोग किया जाता है, कंक्रीट को मिक्स करने के लिए। इस मशीन में और इस मशीन में अंतर क्या है? इस मशीन में यह जो छोटी मशीन काम करती है जी, ये जो हमारा लिफ्ट लगा हुआ है, अच्छा फोल्डिंग सिस्टम है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ये फोल्डिंग सिस्टम है जी, इसको यहाँ से खोल के जी और ये दो नट यहाँ से खोल के हम लिफ्ट को अलग कर देंगे जी। उसके बाद ये लिफ्ट मशीन, वो जो छोटी मशीन है उसकी तरह भी यह मशीन हमारी काम करेगी, काम करने लगेगी। और उसके अलावा यह मशीन एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल से लेके 10 मंजिल ऊपर छत जो ढलते हैं 10 मंजिल तक हमारी ये मिक्सर मशीन काम करती है। मतलब ये जो मशीन है इसकी खासियत ये है कि ये बिल्डिंग बनाने के काम आती है जी। हाँ, मतलब एक मंजिल से ऊपर अगर किसी को घर बनाना है, जैसे ये आपका कितना 2 फ्लोर का है? 3 फ्लोर है। 3 फ्लोर है जी। तो इस ऐसी अलग अलग फ्लोर बनाने के लिए इस मशीन का काम होता है जी। हाँ, इसमें आप ये मिक्सिंग भी करेगा, ये जो आप हांडी देख रहे हैं ये आपकी हांडी है ना जी, हांडी। इस हांडी में हम कॉन्क्रीट को मिक्स करते हैं और मिक्स करके इस लिफ्ट में डालते हैं जी, और ये लिफ्ट जो है ये ऊपर चली जाती है, 10 मंजिल ऊपर इसके ऊपर लिफ्ट लगता है जी, और यहाँ पे नट बोल्ट जोड़ते जाएंगे जी, और 1 मंजिल 2 मंजिल से लेके 10 मंजिल तक ऊपर तक ये जा सकता है। अच्छा। और डायरेक्ट मिक्सिंग होने के बाद हंडी मार डालने के बाद लिफ्ट में आएगा जी, और लिफ्ट पूरा 10 मंजिल तक ऊपर लिफ्ट लेके जाएगा। मतलब आदमी की आवश्यकता नहीं है, ऊपर ले जाने की आदमी की आवश्यकता नहीं है, अपने आप जाएगा। अपने आप ये कैसे जाएगा सर? इसके लिए हम यहाँ से इंजन स्टार्ट करते हैं जी। इंजन स्टार्ट करने के बाद आपको मैं क्लिपिंग दे दूंगा, यहाँ से लिफ्ट हमारा चढ़ता है जी, और ये लिफ्ट आगे, अच्छा चालू कर ठीक, ये चालू ऊपर यहाँ से लिफ्टिंग करेंगे जी, इससे ऑटोमेटिक ऊपर लिफ्ट लग जाएगा, ऊपर जाएगा। अच्छा, इसमें जो आप पुल्ली लगाए हैं जी, ये आपकी पुल्ली लगी हुई है जी, इस पुल्ली के थ्रू ये ऊपर खींचते जाएगा, चेन ऊपर जाएगा, चेन ऊपर जाएगा, ये पुल्ली की तरह काम करेगा, आपकी ये लिफ्ट जो है ये ऊपर जाती जाएगी जी। ठीक है, ये इसमें जो टायर लगे हैं, टायर ये हम एक्साइड कंपनी का लगाए हैं, एक्साइड कंपनी का नया टायर होता है जी, जो 6-16 टायर होता है जी, और बहुत ही बेहतरीन इसकी सर्विस है। अच्छा। और इसमें जो हम ये हिच लगाते हैं जी, 3 का चैनल का हिच लगा हुआ है जी, इसमें क्या होता है कि कभी किसी को लेबर ज्यादा हो गया तो एक दो लोग उसमें बैठ भी जाते हैं, इसमें हिच लगा दिए हैं, और साथ में ट्रैक्टर की तरह इसमें ट्रैक्टर पिन लगा। इसके रख रखाव में क्या कोई मेंटेनेंस चार्ज है इसका? इसमें रख रखाव में कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, इसको जब हम चालू करेंगे तो सिर्फ ऑयल और डीजल ग्रीस, इसमें हर जगह हमारे ऑयल पॉइंट दिए हुए हैं जी, ऑयल पॉइंट यहाँ पर है ऊपर में हर जगह दिए हुए हैं जी, वो हम जो मशीन लेते हैं उनको बता देते हैं कि ऑयल कहाँ कहाँ डालना है जी, उनके ऑयल हर जगह डालेंगे, और जब मशीन में चालू करेंगे इंजन में ऑयल गेज चेक करेंगे, ग्रीसिंग चेक करेंगे, और इसमें कहीं कोई मेंटेनेंस नहीं है, आप धूप में बरसात में बाहर कहीं भी रख दीजिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। अच्छा मिश्रा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, सपोज ये मशीन मैं लेता हूँ तो इस मशीन को लेके मैं इसके साथ कैसे कोई बिजनेस कर सकता हूँ, या कैसे इस मशीन को लेके एक इनकम कमा सकता हूँ? सर ये जो हमारी मशीन है, यदि आप लेते हैं या कोई अन्य पर्सन लेता है जी, या कोई ठेकेदार व्यक्ति है, कॉन्ट्रेक्टर है, हुँ? वो लेता है तो अपने खुद के काम में
यह काम को लगा के और मशीन को चला सकता है जी। जैसे कोई जैसे मैं अगर लेता हूँ, मान लीजिए मैं ठेकेदार नहीं हूँ या मैं कोई काम कर नहीं रहा हूँ, पर अगर ये मशीन मैं खरीदना चाहूँ तो इस मशीन का मैं उपयोग कैसे कर सकता हूँ जिससे मेरी एक इनकम बन सके? सर यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है जी, और यदि कोई बेरोजगार व्यक्ति उसको रोजगार की तलाश है, वो रोजगार करना चाहता है जी, तो उसके लिए यह मशीन हमारी बहुत ही बढ़िया कमाई का उसका एक जरिया बन जाएगा जी। एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए किसी की छत की ढलाई करनी है जी, तो 2000 स्क्वायर फीट छत ढलाई है, सिर्फ छत बिल्डिंग छोड़ दें, बीम और छत मिला के 2000 एवरेज जी, 3000 4000 5000 भी होता है, पर एवरेज में 2000 की मान लेता हूँ जी। उस हिसाब से आज मार्केट में जो रेट चल रहा है, 7 रुपया 8 रुपया 9 रुपया 10 रुपया स्क्वायर फीट छत की ढलाई होती है, छत की ढलाई का जी। मैं दोनों बीच में 8 रुपया मान लूं, 8 रुपया स्क्वायर फीट, तो 8 × 2 = 16000 रुपए इस मशीन की एक दिन की कमाई होती है। जैसे कि अगर आप घर बना रहे हैं जी, तो आपके घर में अगर सिर्फ छत की ढलाई करने के लिए मैं आता हूँ, मेरे पास ये मशीन है, तो मैं एक दिन अगर काम करूंगा तो मुझे 16000 रुपए इस मशीन से बच जाएगा? बचेगा नहीं सर जी, 16000 रुपए का आप इसमें काम करेंगे तो उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट और खर्चा क्या आएगा? इसमें जो इन्वेस्टमेंट है जी, इसमें दो आदमी लग, दो रेजा कुली जो भी लगते हैं रेती के लिए, दो लोग लगते हैं गिट्टी के लिए, और एक आदमी लगता है नीचे सीमेंट डालने के लिए जी, और एक जो मिस्त्री होता है वो यहाँ खड़े होकर मशीन को चलाता है जी, और वही व्यक्ति यहाँ पानी डाल देता है मशीन में जी। तो 5 आदमी मशीन में लगते हैं और एक मिस्त्री लगता है नीचे, ऊपर में 2 लोग जो मसाला ऊपर लिफ्ट में ऊपर जाता है, वहाँ जाने के बाद 2 आदमी लगते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए, और फिर वो कुछ घमेला बोलते हैं या तगाड़ी बोलते हैं, तसला बोलते हैं, उसमें माल भर के, और 4 लोग उसको पूरे उसमें फैला देते हैं, छत में फैलाते जाते हैं जी। तो उसके लिए भी हमारी जो कंपनी है, छत में लेबर कम लगे, एक स्लैब ट्रॉली बनाई हुई है जी, तो उसको भी आप भविष्य में हमारे चैनल में, इस चैनल में देख सकते हैं जी, स्लैब ट्रॉली जी, उसमें ऊपर लेबर कम लगते हैं। अच्छा। मैं स्लैब ट्रॉली घोटा के लेबर की बात करूं तो 2 लोग उसको इकट्ठा करने वाले और 4 लोग उसको फैलाने वाले, 6 लोग ऊपर लगते हैं, 6 × 12 एक आदमी एक्स्ट्रा ले, 13 आदमी टोटल, 13 आदमी इस मशीन को चलाने के लिए आवश्यकता होगी, मैक्सिमम 13। और मिनिमम कितने में कर सकते हैं? मिनिमम उसमें एक दो और आगे पीछे कर सकते, ज्यादा नहीं, इतना तो लगना है, मतलब 10 से 13 आदमी लगेंगे ही लगेंगे जी। और एक आदमी की रोजी हम क्या पकड़ सकते हैं? अब हर स्टेट में, हर शहरों में अलग अलग है जी, जैसे गुजरात में 150-200 रुपए भी है, शहरों की बात करो 300-350 रुपए भी है, जैसे गुजरात या महाराष्ट्र की बात करें जहाँ लेबर कम है वहाँ 300-500 रुपए रोजी है, छत्तीसगढ़ MP उड़ीसा या कर्नाटका या और किसी स्टेट की बात करें तो वहाँ 150-250 रुपए तक का लेबर रेट। हम लेबर की बात करें जी, तो एक लेबर एवरेज में हम 300 रुपए मान लेते हैं जी, तो 13 लेबर हैं तो 13 लेबर को 39 रुपए एवरेज 4000 मान लेते हैं जी, एक मिस्त्री और एक्स्ट्रा प्लस करते थे 500 रुपए का, 4500 रुपए में हमारी मशीन लेबर का काम हो जाता है जी। उसके बाद इसमें 600-700 रुपए का डीजल खर्च है, 600-700 रुपए एक दिन का, पूरा दिन यदि बहुत बड़ा ढलाई करते हैं तो जी, चूंकि ये जिसकी डीजल खपत है 1 घंटे में 1.25 लीटर के आसपास है, 1 घंटे में 1.25 लीटर तो लगभग 8 घंटे अगर हम काम करते हैं, 800 रुपए, 8 घंटा काम नहीं होता है, 6-7 घंटे ही काम होते हैं अधिकांशतः, कभी लंच हो गया कभी बैठ गया जी, तो 500-600 रुपए का इसमें डीजल लगता है, 5000 पकड़ लीजिए आप टोटल, 5000 रुपया टोटल खर्च हो गया, और लाने ले जाने का भाड़ा 1000 रुपए मान ले, 2000 रुपए और अन्य खर्च जो भी खर्च मान लीजिए जी, तो 6 और 2 = 8000 रुपए, 8000 रुपए हमने खर्च कर दिए, फिर भी हमारी पर डे की जो इनकम होती है इस मशीन से 8000 रुपए शुद्ध प्रॉफिट आपके हाथ में आएगा। अच्छा, मतलब अगर हम एक छत की ढलाई करते हैं तो लगभग एक दिन में 8000 रुपए हम इस मशीन से कमा सकते हैं, पर ये काम हमेशा तो मिलेगा नहीं छत ढलाई का, मान लीजिए काम नहीं मिला तब क्या करेंगे? तो एक एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि महीने में 30 दिन होते हैं जी, तो 30 दिन में 15 दिन ही काम चले जी, 15 दिन काम चलता है तो 1,20,000 रुपए आपको शुद्ध प्रॉफिट बचते हैं, और यदि इसके एवरेज और माइनस कर देते हैं महीने में 10 दिन का भी आपको काम मिलता है, मान लीजिए आप नए हैं, आप
ज्यादा काम नहीं मिल पा रहा है। वैसे ये कम मशीन कभी खाली नहीं रहती है, जो एरिया में होता है तो लोगों कहीं ना कहीं पर डे काम रहता है। 10 दिन की बात करूं तो 80,000 रुपया एक महीने में आपको पास शुद्ध। अच्छा मिश्रा जी, मान लीजिए मेरे पास लेबर नहीं है या मेरे को कार्य का अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं नया हूँ, तो मैं लेबर लगा के छत की ढलाई नहीं करना चाहता, तब मैं इस मशीन से कैसे कमा सकता हूँ? आपको सर बिल्कुल क्वेश्चन बहुत सही है। यदि आप कहीं कुछ काम करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो आज मार्केट में बहुत सारे ठेकेदार लोग हैं और जो ऐसे जो बेरोजगार है जिनके पास पैसे नहीं है, वो लोग भी मशीन किराए में लेके और मशीन चलाते हैं। अच्छा। इस कंडीशन पे एक दिन की जो मैं अपने शहर की बात करूं तो 7,000 से 8,000 रुपया एक दिन का मशीन का किराया, सिर्फ मशीन का किराया, सिर्फ मशीन का किराया 6,000 से 7,000 रुपया है। तो कहीं ज्यादा कहीं कम किसी शहरों में, ये उसकी जरूरत के अनुसार है। फिर भी एक एवरेज 3,000 से 6,000 रुपया प्रतिदिन इस सिर्फ मशीन का किराया है। अच्छा, मतलब अगर मैं खुद काम नहीं करता हूँ, ये किसी को दे देता हूँ, किसी ठेकेदार को, तो भी मैं मिनिमम 5 से 6,000 और मैक्सिमम 8 से 10,000 रुपए में कर सकता हूँ। सीजन के अनुसार होता है, यदि सीजन है तो इसका डिमांड ज्यादा होता है और ज्यादा होगा तो उसका रेट भी ज्यादा हो जाता है। बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मशीन तो बहुत जगह और अवेलेबल है, दूसरे लोग भी ये मशीन बनाते हैं और बेचते हैं, तो ये मशीन हम सिर्फ आपसे ही क्यों ले, या हमारे जो यूजर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो ये मशीन लेना चाहें तो आपसे क्यों लें, किसी और जगह से क्यों ना लें? सर, जो हम मशीन बना रहे हैं, हमारी कंपनी बना रही है मोहन मिश्रा मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड, जी इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि आज जो ब्रांड और जो मशीन, जो लोहा भारत के अंदर हमारी कंपनी मोहन मिश्रा मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड आज बना रही है, ये कोई नहीं बना रही है। हमारी लोहा तो वही है, लोहा जो आप लगा रहे हैं वही लोहा दूसरे भी लगा रहे हैं। जी। आज हमारी मशीन को देख के लोग नकल करने लगे या नकल करें, वो बात अलग है। मैं लोहे की ही बात करता हूँ तो सर आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो शाफ्ट होता है यहाँ पर, जी यह शाफ्ट पूरे मार्केट में, पूरे भारत की बात करता हूँ, कहीं भी आप देखेंगे 48 mm का शाफ्ट लगता है या यूं कहूँ 2 इंच का शाफ्ट लगता है। जी। हमारी कंपनी उसमें 2 इंच के शाफ्ट में 0/16 की बेयरिंग लगती है, लेकिन हमारी कंपनी मोहन मिश्रा मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड ये 58 mm का शाफ्ट लगाती है और उसमें जो बेयरिंग लगते हैं ये 0 वहाँ पर बेयरिंग लगता है, 0/18 की बेयरिंग लगती है। अच्छा। जो पूरे भारत में हमारी कंपनी के अलावा कोई नहीं लगाता है। जी। साथ में हम जो रस्सा लगाते हैं 12 mm का रस्सा लगाते हैं और जो स्टार गियर है, स्टार गियर भी साथ में हम एक लोहे का प्लेट लगाते हैं 8 mm का। अच्छा। इससे क्या है, कभी इसमें कोई शिकायत भी आई ये लोहे का जो प्लेट है वो मशीन की इसकी लाइफ को बढ़ा देता है और कोई दुर्घटना होने से ये रोक लेता है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी जानकारी आज मिली आपसे। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा मिश्रा जी, आप ये छत्तीसगढ़, MP, इंडिया या इसके इंडिया के अलावा भी बाहर आप मशीनें एक्सपोर्ट करते हैं? जी। आप भेजते हैं बाहर मशीन? हमारी मशीनें भारत के सारे राज्य में जाते हैं, इसके अलावा भारत के बाहर भी हमारी कंपनी एक्सपोर्ट करती है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी जानकारी मिली। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और लेना चाहूँगा आपसे, अगर हम आपसे ये मशीन खरीदते हैं तो मशीन की कॉस्ट क्या आएगी और हमको आपसे मशीन खरीदने में इस मशीन के अलावा और क्या बेनिफिट आप दे सकते हैं? सर, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा साथ में जी, कि जो हमारी कंपनी है मोहन मिश्रा मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड, यह अभी बिलासपुर जो हमारा हेड ऑफिस है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर है। इसके साथ में हमारा एक ब्रांच ऑफिस बटाला पंजाब में भी ओपन हो चुका है और बहुत जल्दी भारत देश के सभी बड़े शहरों में हमारी मोहन मिश्रा मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच ऑफिस ओपन होने वाली है। इसलिए रेट की कैलकुलेशन की बात करें हम, तो हमारा उद्देश्य होता है कि कम से कम कीमत पे हम अपने ग्राहक तक उस मशीन को पहुंचाएं। तो जो लोग जहां से फोन करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं उन किस शहर से फोन कर रहे हैं और वहां से हम एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि उनकी कीमत, ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या होगा। जिस ब्रांच से सस्ता पड़ता है हम उस ब्रांच से उस पार्टी को मशीन भेज देते हैं। अच्छा। इसलिए रेट के लिए जो बात करूं सर, तो रेट जो सामने आते हैं कस्टमर, उस ग्राहक के अनुसार हम उसे रेट देते हैं, उसे क्या बेस्ट प्राइस हम दे सकते हैं ताकि उसे कम कीमत पे अच्छा सामान और अच्छी क्वालिटी का सामान और बिजनेस करने का सुनहरा अवसर मिल सके। धन्यवाद। अगर इसमें कोई पार्ट्स खराब होता है या एक्सचेंज करना होता है या बदलना चाहें तो वो भी आप प्रोवाइड करते हैं? सर, ये हमारा जो मशीन हम लगाए हुए हैं जी, हमारी कंपनी तो हर जगह आपको मशीन सामान मिल जाता है। प्लस सबसे बड़ी चीज इस मशीन की खासियत यह है, यह मशीन ऐसी बनाई गई हुई है 72 दाता का जो थाल ग्रार, 108 दाते का रिंग ग्रारी, यह
पूरे भारत में किसी भी शहर में कहीं भी आप लेना चाहें तो जो सामान हर जगह मार्केट मिलता है वही सामान हम लगाते हैं। इसमें ऐसा हमने कुछ नहीं किया है अलग कि सिर्फ हमारे यहाँ सामान मिलेगा। अच्छा, हमारा उद्देश्य यह है कि ग्राहक को परेशानी ना हो, जो जिस शहर में है वहीं उसको सामान इसका अवेलेबल हो जाए। चलिए मिश्रा जी, अगर मैं आपके साथ इस मशीन को लेके जो काम करना चाह रहा हूँ वो तो कर सकता हूँ, इसके अलावा आप मुझे और क्या ऐसा बेनिफिट दे सकते हैं जिससे मैं इनकम जनरेट कर सकूँ? जैसे ठीक है, मैं किराए पे मशीन देके एक इनकम कमा सकता हूँ, मैं इसको इसके साथ ढलाई करके मैं इनकम कर सकता हूँ, पर जैसे बरसात में कई बार काम नहीं होता है, काम कम होता है, तो उस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? और आप मुझे क्या ऑफर दे सकते हैं या और क्या आप मुझे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिससे मैं कंटिन्यू इनकम जनरेट कर सकूँ? चलिए, हमारी कंपनी मोहन मिश्रा मल्टीटेड प्राइवेट लिमिटेड आपको नेटवर्क मार्केटिंग की तरह एक ई प्लेटफॉर्म देता है। इसमें आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिल जाएगा और जितने बार आपके थ्रू मशीन बिकेगी आपको इसमें पैसा इनकम करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा और जब जब आपके नीचे जो नेटवर्क में मशीन बिकते जाएगा आपके खाते में पैसा आते जाएगा। ठीक है मोहन जी, इस मशीन के बारे में हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिली आज। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारे सब्सक्राइबर्स को पसंद आएगा और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हम दोबारा आपके पास आएंगे। जैसा आपने बताया, एक क्या बताया आपने, लेबर कम करने के लिए छत की ढलाई के लिए कौन सी मशीन? स्लैब ट्रॉली मशीन। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा और भी मशीनरीज जो इनके पास मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए हम अलग अलग वीडियोज में उसको लेके आते जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस लिफ्ट मिक्सर मशीन का उपयोग करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।